नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। एक इंटरव्यू के दौरान उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि बागियों के जरिए ही हिंदुओं और मराठी समुदाय में फूट डलवाई जा रही है, मुझे इसकी चिंता है। तो बागियों के नाम संबोधन में ये भी कहा गया कि मेरे पिता को क्यों चुरा रहे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त को उद्धव ठाकरे कैंप की नई याचिका पर सुनवाई करेगा। इसमें चुनाव आयोग की ओर से जारी उस कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसके तहत एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने का दावा किया गया है। इसी बीच राज्य में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को शपथ लिए करीब 26 दिनों का समय बीत चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मंत्रियों के नामों पर संशय बरकरार है। तो उधर बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और उनके पति विकी कौशल को जान से मारने की धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बागियों के जरिए ही हिंदुओं और मराठी समुदाय में फूट डलवाई जा रही है। सच कहूँ तो मुझे चिंता मेरी नहीं है, शिवसेना की तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत चिंता है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के लोगों की, हिंदुओं और हिंदुत्व की है, क्योंकि हिंदू द्वेषी और मराठी द्वेषी ये हमारे घर में ही है। मराठी लोगों की एकजुटता टूटे, हिंदुओं में फूट पड़े और मराठी मानुस हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जो मेहनत माननीय शिवसेना प्रमुख ने जीवन भर की, उसे हमारे ही कुछ निकम्मों के हाथों तुड़वाने और फुड़वाने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी मुझे चिंता है। शिवसेनाओं के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर उद्धव ठाकरे ने इशारों इशारों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मेरा अब भी देश के संविधान पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है, चोरी सकारी सब जगह चलती है, ऐसा मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है। मैं मानता हूँ सत्यमेव जयते है, नहीं तो यह वाक्य तुम्हें बदलना पड़ेगा और फिर एक ही वाक्य को दो वाक्य में बदलना पड़ेगा। एक तो असत्यमेव जयते और दूसरा तो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते के सामने आप असत्य को लेकर कुछ करने वाले हो तो जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, बगावत करने वालों को जनता जवाब देगी। शिवसेना पर नियंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, जनता इन्हें राजनीति से मिटा देगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पिता का नाम लेने पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने बागियों से उनके ही माता पिता का आशीर्वाद लेकर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा, मेरे पिता को क्यों चुरा रहे हो, मतलब क्या तुम में कर्तृत्व नहीं है, तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, तुम मर्द नहीं हो, तुम विश्वासघाती हो और मेरे साथ तुमने विश्वासघात किया है। लोगों के साथ विश्वासघात करते हुए बाला साहेब के प्रति भ्रम क्यों पैदा कर रहे हो, तुम खुद को मर्द वगैरह समझते हो ना, तो तुम्हारा मर्दाना चेहरा जो राजनीति में जन्म देने वालों को ही निगलने वाली है, विश्वासघाती माँ को ही निगलने के लिए निकल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वफादारी वह चीज नहीं है जिसे बेचा जा सके, लेकिन ऐसा ही किया जा रहा है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को चुनौती दी कि यदि वह अपने दम पर राजनीति करना चाहते हैं तो फिर बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे को चैलेंज देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे पिता की तस्वीर पोस्ट न करें और उनके नाम पर वोट न मांगे। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा शिवसेना को ही खत्म करना चाहती है, उनकी कोशिश है कि शिवसैनिक आपस में लड़े और उनमें बाला साहेब के नाम को लेकर भ्रम पैदा हो जाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह मेरी गलती थी कि कुछ लोगों को परिवार समझा और उन्हें आगे बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त को उद्धव ठाकरे कैंप की नई याचिका पर सुनवाई करेगा। उसमें चुनाव आयोग की ओर से जारी उस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग गई है, जिसके तहत एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने का दावा किया गया है। चुनाव आयोग ने हाल ही में शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर अपने अपने दावों के समर्थन में 8 अगस्त तक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया था। आयोग के सूत्रों ने बताया था कि दोनों धड़ों से जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है, जिसमें पार्टी की विधायी और संगठनात्मक इकाई के समर्थन पत्र, प्रतिद्वंदी गुटों के लिखित बयान शामिल है। ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं के मद्देनजर शिंदे समूह की अर्जी पर फिलहाल सुनावनी न करने की अपील की है। याचिका में असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा जताने से संबंधित शिंदे गुट की अर्जी को उसका उतावलापन करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को कहा था कि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के दौरान शिवसेना और उसमें बागी विधायकों की ओर से याचिकाएं दाखिल की
की गई है। इसमें राजनीतिक दल के विभाजन, विलय, दल बदल और अयोग्यता सहित कई संवैधानिक मुद्दों को उठाया गया है, जिस पर एक कड़ी बेंच की ओर से विचार किए जाने की जरूरत पड़ सकती है। वही चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 11 जुलाई के अपने आदेश के क्रियान्वयन की अवधि को बढ़ा दिया था। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर स्थिति साफ नहीं सकी है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को शपथ लिए करीब 26 दिनों का समय बीत चुका है, लेकिन मंत्रियों के नामों पर संशय बरकरार है। हालांकि इस देरी के कई कारण गिनाए जा रहे हैं, इसे लेकर विपक्षी दल भी सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। फिलहाल यह देखा जाना बाकी है कि दोनों नेता मंत्रिपरिषद में बड़ी संख्या में नेताओं को कैसे शामिल करेंगे। मंत्रिपरिषद में सीएम समेत अधिकतम 43 मंत्री शामिल हो सकते हैं और एक शिवसेना के बागी खेमे में शिंदे को हटाकर 8 पूर्व मंत्री हैं। रिपोर्ट के अनुसार शिंदे गुट के सूत्रों ने बताया है कि पूर्व राज्य मंत्री और निर्दलीय विधायक बच्चू कड़ू को कैबिनेट में जगह का वादा किया गया है। इसके अलावा भी गुट में तानाजी सावंत और दीपक केसरकर जैसे बड़े नाम भी शामिल है। इनके अलावा उद्धव ठाकरे सरकार में वन मंत्री रहे संजय राठौड़, चीफ व्हिप भरत गोंगावले और संजय शिरसाट का नाम भी चर्चाओं में है। इधर भारतीय जनता पार्टी को भी पिछली सरकार में मंत्री रहे और वरिष्ठ विधायकों समेत कई बड़े नेताओं को शामिल करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि राज्य के कई बड़े नेताओं कैबिनेट में जगह के लिए दिल्ली में डटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, आशीष शेलार, संजय गुटे और प्रवीण दरेकर को अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और उनके पति विकी कौशल को सरफिरे आशिक ने जान से मारने की धमकी दी। उसका कहना था कि कैटरीना कैफ उसकी पत्नी है। इस व्यक्ति ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कैटरीना के साथ फेक फोटो शेयर किए हैं। मुंबई पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मनविंदर सिंह है और वह एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। उसके जुनून का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उसने कैटरीना को माय वाइफ लिखा है। कैट के साथ अपनी फोटो मॉर्फ करके कैटरीना की ऑफिशियल आईडी को टैग किया है। उसने शादी का कार्ड भी शेयर किया है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने स्टार कपल्स को कई महीनों से परेशान करने वाले इस सरफिरे आशिक को हिरासत में ले लिया है। सेलिब्रिटीज को इस तरह से डराने और धमकाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी में एक मॉडल ने भी शादी में जबरदस्त बवाल किया था। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी अमिताभ बच्चन के प्रतीक्षा बंगले में हुई थी। शादी के बीच में ही जाह्नवी कपूर नाम की मॉडल ने कहा कि अभिषेक ने कुछ दोस्तों के सामने उससे शादी की है और वे उसके पति हैं। जाह्नवी ने ऐश्वर्या पर पति चुराने का आरोप लगाया। उसने नस काटने और आत्महत्या की बात भी की। बाद में खुलासा हुआ कि यह महज पब्लिसिटी स्टंट है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। इसके विरोध में कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर आए हैं। तो गुजरात में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी लोगों को शराब की जगह बोतल में केमिकल दिया जा रहा था। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी एम्स भुवनेश्वर से डिस्चार्ज होकर कोलकाता वापस आ गए। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर चटर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने एम्स में भर्ती कराया था। तो उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट को लेकर विवाद हो गया है। इस बीच 6 साल का बच्चा भी किसी से लिखा पढ़ी में करार कर सकता है, उसे आपराधिक साजिश के तहत तोड़ सकता है और विरोध पर गाली गलौज कर सकता है। आप माने ना माने, फतेहपुर पुलिस ये मानती है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। सोनिया के साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी ईडी ऑफिस पहुंची है। वहीं ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर आए हैं। राहुल गांधी ने इसे ईडी का दुरुपयोग बताते हुए संसद भवन से विजय चौक तक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। राहुल संसद भवन से विरोध करते हुए विजय चौक तक पहुंचे थे। कई अन्य कांग्रेस सांसदों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। ईडी दफ्तर के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जुट गए हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया से पूछताछ को गलत बताया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी इस चरण में सोनिया से करीब 39 सवाल पूछ सकती है। इसी बीच बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस के बवाल पर निशाना साधा है।
पात्रा ने कहा कि क्या सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं होनी चाहिए। सत्याग्रह के नाम पर हर जगह ट्रैफिक रोकने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध की जरूरत नहीं है बल्कि कन्फेशन की जरूरत है। ये 5,000 करोड़ का गबन है, अभी स्वीकार करने की जरूरत है कि किस प्रकार से इसका पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था। यंग इंडिया कंपनी के माध्यम से कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया और राहुल गांधी ने यंग कंपनी बनाकर इसका गबन किया। गुजरात में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। गुजरात पुलिस के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सभी लोगों को शराब की जगह बोतल में केमिकल दिया गया था। इन केमिकलों को पीने के बाद सभी की तबीयत एक साथ खराब हो गई। इस मामले में पड़ताल के लिए बनी SIT की शुरुआत जांच और संदिग्धों से पूछताछ के बाद कई बातों का पता चला है, जिसके मुताबिक इमोज नाम की एक कंपनी ने मिथाइल की सप्लाई की थी। यह मिथाइल उस बोतल में मौजूद था जिसे इन लोगों ने पिया था। गोदाम के मैनेजर जयेश उर्फ राजू ने अपने एक रिश्तेदार संजय को 60,000 रुपए में 20 लीटर मिथाइल दिया था। कहा जा रहा है कि संजय और उसके सहयोगी पिंटू ने इसके बाद मिथाइल से भरा पाउच बेचा था। इन पाउचों को देसी अल्कोहल के नाम से लोगों को बेचा गया था, जिसे पीने के बाद लोग बीमार पड़ गए। इस कंपनी ने कुल 600 लीटर मिथाइल की सप्लाई की थी। पुलिस ने इसमें से करीब 450 लीटर मिथाइल सीज किया है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पुलिस अब तक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। आरोपियों के खिलाफ हत्या के चार्ज लगाए जाएंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और स्वास्थ्य अधिकारियों को बोटाप जाकर हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी एम्स भुवनेश्वर से डिस्चार्ज होकर कोलकाता वापस आ गए। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर चैटर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने एम्स में भर्ती कराया था। स्कूल जॉब स्कैम केस में वह 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में है। उन्हें साल्ट लेक के CGO परिसर में स्थित एजेंसी के कार्यालय आज लाया गया। एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टर्स ने कहा कि चैटर्जी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, लेकिन उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। ईडी ने अस्पताल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए चैटर्जी को 10 दिनों के लिए हिरासत में देने की अपील की थी। बैंकशाला कोर्ट में ईडी की विशेष अदालत के न्यायाधीश जीबोन कुमार साधु ने मंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और चैटर्जी व उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को 3 अगस्त तक के लिए जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया था। अस्पताल के कार्यकारी निदेशक आशुतोष विश्वास ने कहा कि हमने चैटर्जी के रक्त, किडनी, थायराइड और हृदय संबंधी जांच की है। उन्हें कुछ गंभीर बीमारियां हैं, लेकिन तत्काल अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। उच्च न्यायालय को चैटर्जी के स्वास्थ्य की स्थिति से जुड़ी रिपोर्ट भेज दी गई है। वे जिन लक्षणों के साथ अस्पताल आए थे वे बहुत गंभीर प्रकृति के नहीं है। सीने में इतना दर्द नहीं था। ईडी ने अपनी दलील में कहा कि चैटर्जी SSKM अस्पताल में बीमारी का बहाना बनाकर भर्ती हुए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट को लेकर विवाद हो गया। केंद्र सरकार ने विपक्ष के इस आरोप का खंडन किया कि खड़गे को एक सीट पर बैठाया गया जो उनके पद की गरिमा के तहत नहीं थी। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने दावा किया कि राष्ट्रपति मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में खड़गे को उचित सीट पर नहीं बैठाया गया। विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा के सभापति M. वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर यह दावा भी किया कि वरिष्ठ नेता का जानबूझकर अनादर किया गया है। कांग्रेस महासचिव व राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने ट्वीट पर यह पत्र साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने नायडू को पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में किसी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ है। वरीयता के क्रम में विपक्ष के नेता कैबिनेट मंत्रियों के बाद आते हैं। नियमों के तहत उनकी सीट तीसरी पंक्ति में आती है, लेकिन खड़गे जी की वरिष्ठता का सम्मान करने के लिए उन्हें पहली पंक्ति में ही सीट प्रदान की गई थी। उल्टे जोशी ने कहा कि कार्यक्रम में खड़गे को प्रधानमंत्री के बगल वाली सीट दी गई, लेकिन वे नहीं आए। यह राष्ट्रपति का भी अपमान था। विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को तूल दे रहा है। 6 साल का बच्चा भी किसी से लिखा पढ़ी में करार कर सकता है, उसे आपराधिक साजिश के तहत तोड़ सकता है और विरोधी पर गाली गलौज कर सकता है। आप माने न माने, फतेहपुर पुलिस यह मानती है। उसने कक्षा 1 के छात्र पर इन्हीं आरोपों में IPC की धारा 406 और 504 के तहत केस दर्ज कराया है। खुद के साथ बच्चे पर भी केस दर्ज होने से क्षुब्ध पिता ने डिप्टी CM से शिकायत की है। मामला चर्चा में आने पर LIU ने जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर में मलवा थाने के धोयाही गांव निवासी कमलेश मिश्रा और उनके रिश्तेदार प्रभा के बीच पत्थर की खरीद फरोख्त को लेकर विवाद चल रहा है। 19 जुलाई को प्रभा ने थाने में शिकायत की।
पुलिस ने बिना जांच किए कमलेश मिश्रा, उसके पुत्र विनोद और हुसैनगंज थाना क्षेत्र के कंधार का पूर्वा निवासी रामकिशन के खिलाफ धारा 406 और 504 की रिपोर्ट दर्ज करा ली। पुलिस ने यह भी जांच नहीं की कि कमलेश का बेटा विनोद कक्षा का एक छात्र है। कमलेश को 22 जुलाई को रिश्तेदारों ने फोन कर रिपोर्ट दर्ज होने की सूचना दी। उसने बताया कि मैं थाने पहुंचा तो वहां कोई जानकारी नहीं दी गई। 23 जुलाई को डीएम से शिकायत की, कोई कार्रवाई न होने पर एसपी से शिकायत की है। एक रिश्तेदार के जरिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी पुलिस का यह कारनामा बताया है। शासन से फोन आने के बाद पुलिस जांच में बच्चे का नाम हटाने की बात कहते हुए बात रफा दफा करने का दबाव बना रही है। कांगो में कुछ नागरिक सशस्त्र समूह द्वारा भारतीय सेना के संचालन अड्डों और तीसरे स्तर के अस्पताल को लूटने का प्रयास किया गया, जिसे सेना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए विफल कर दिया। तो अब चीन में बहुत ही ज्यादा तापमान की वजह से कोहराम मचने की आशंका पैदा हो गई है। चीन की सरकार ने अत्यधिक तापमान को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। वहीं सऊदी अरब 800 अरब पाउंड यानी लगभग 766 अरब रुपए की लागत से एक साइडवे स्काई स्कैपर बनाने की योजना बना रहा है। तो उधर रूस की सैन्य ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। रूसी सेना को दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी बेलगोरोड मिल गई है। इस बीच पोप फ्रांसिस कनाडा पहुंचे। उन्होंने यहां आवासीय स्कूलों में मूल निवासियों पर हुए अत्याचार में चर्च के सहयोग को लेकर माफी मांगी है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कांगो में कुछ नागरिक सशस्त्र समूहों द्वारा भारतीय सेना के संचालन अड्डों और तीसरे स्तर के अस्पताल को लूटने का प्रयास किया गया। सेना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इस लूट की कोशिश को विफल कर दिया। 2 महीने में भारतीय जवानों पर हमले की ये दूसरी घटना है। भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा कि भारतीय शांति सैनिकों ने अपनी तैनाती के स्थानों पर संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की है। ऐसी खबरें हैं कि संयुक्त राष्ट्र के कुछ कार्यालय परिसरों में तोड़फोड़ की गई है। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बता दें कि 2 महीने पहले भी कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में शामिल भारतीय सेना के जवानों पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया था। ये हमला 22 मई को किया गया था। इस हमले के दौरान विद्रोहियों ने गोलीबारी की और संयुक्त राष्ट्र और कांगो आर्मी के ठिकाने पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमला हुआ भारतीय सेना के जवानों ने उसका डटकर जवाब दिया और विद्रोहियों को खदेड़ दिया। कांगो गृह युद्ध से पीड़ित देश है। संयुक्त राष्ट्र के आदेश के मुताबिक भारतीय सैनिक संघर्षग्रस्त क्षेत्र में शांति स्थापित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। कांगो में 1999 से भारतीय सेना की टुकड़ी तैनात है। यह दुनिया की बड़ी शांति रक्षक सेना तैनात है। आकलन के अनुसार यहाँ विभिन्न देशों के करीब 20,000 सैनिक तैनात है। भारतीय सेना के अधिकारी के मुताबिक भारत के 4,000 सैनिक इसमें शामिल है। यूरोप भीषण गर्मी की चपेट में आ चुका है और सारे पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अमेरिका में अत्यधिक तापमान की वजह से जंगलों में आग लगी है। अब चीन में बहुत ही ज्यादा तापमान की वजह से कोहराम मचने की आशंका पैदा हो गई है। चीन की सरकार ने अत्यधिक तापमान को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। इसकी चपेट में करीब 70 शहर आ सकते हैं और सैकड़ों ऐसे शहर हैं जहां गर्मी के चलते लोग बेदम हो सकते हैं। चीन के हुक्मरानों की नींद इसलिए उड़ गई है क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि चीन में जिस तेजी से तापमान बढ़ना शुरू हुआ है वो दुनिया के औसत से कहीं ज्यादा है। मालूम हो कि इस साल धरती का बहुत बड़ा हिस्सा भयानक गर्मी की चपेट में है। यूरोप में इसने कहर बरपाना शुरू किया और यूनाइटेड किंगडम से लेकर कई देशों में तापमान रिकॉर्ड स्तर को छू गया है। लगभग उसी दौरान उत्तरी अमेरिका में अटलांटिक महासागर के इलाकों में भी अत्यधिक तापमान का अलर्ट जारी किया गया। चीन के मौसम विभाग के मुताबिक अगले 10 दिनों तक चीन के बड़े हिस्से में गर्मी का भीषण अनुभव होने वाला है। जिस शहरों में भीषण गर्मी की भविष्यवाणी की गई है वहां तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाएगा, लेकिन चीन के 393 और शहरों में भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है, जहां लोग इस मौसम में भी 35 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक तापमान झेलने को मजबूर होंगे। एक्सट्रीम हीट की स्थिति के चलते जंगलों में आग लग सकती है। सऊदी अरब 800 अरब पाउंड यानी लगभग 766 अरब रुपए की लागत से एक साइडवे स्काई स्कैपर बनाने की योजना बना रहा है। खबरों के मुताबिक ये इमारत करीब 120 किलोमीटर लंबी होगी। सऊदी अरब का दावा है कि बनने वाली 120 किलोमीटर लंबी इमारत करीब 50 लाख लोग आराम से रह सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को मिरर लाइन नाम दिया गया है क्योंकि इसके निर्माण में मिरर का इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जनवरी 2021 में इस विशालकाय इमारत को लेकर अपनी योजनाओं का खुलासा किया था।
साथ ही मिस्र के पिरामिड की तर्ज पर सऊदी अरब के अपने पिरामिड्स के निर्माण के उद्देश्य के बारे में भी बताया था। हालांकि योजनाकार अब इस प्रोजेक्ट की लागत पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या लोगों को महामारी के बाद एक सीमित स्थान में रहने के लिए तैयार किया जाएगा। कहा तो ये जा रहा है कि साइडवेज स्काईस्कैपर मिरर लाइन का आकार लगभग मैसाचुसेट्स के बराबर होगा और ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी लंबा होगा। मिरर लाइन प्रोजेक्ट एक रेगिस्तानी शहर नियोम का हिस्सा होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत इसमें 1600 फीट ऊंची दो इमारतें होंगी जो रेगिस्तान में एक दूसरे समांतर होंगी। प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा होने में 50 साल का वक्त लग जाएगा। विशालकाय बिल्डिंग में इसकी अपनी हाई स्पीड रेलवे लाइन भी होगी। इस इमारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 20 मिनट का समय लगेगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 5 महीने पूरे हो चुके हैं। इसी बीच रूस की सैन्य ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। रूसी सेना को दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी बेलगोरोड मिल गई है। ये पनडुब्बी समंदर में 1700 फीट की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है। इतने अंदर तक गहराई में केवल कुछ ही देशों की पनडुब्बियां जा सकती है। ये पनडुब्बी न्यूक्लियर टारपीडो ड्रोन से लैस है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन ड्रोन के हमले से समंदर में रेडियो एक्टिव सुनामी भी आ सकती है। देश के सबसे बड़े जहाज निर्माता सेवमा शिपयार्ड के मुताबिक बेलगोरोड के इस महीने की शुरुआत में सेवेरोडविंग्स के बादशाह में रूसी नौसेना को सौंप दिया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका डिजाइन रूस की ऑक्सर 2 श्रेणी की निर्देशित मिसाइल पनडुब्बियों का एक संशोधित संस्करण है, जिसके अंततः दुनिया के पहले परमाणु सशस्त्र स्टील्थ टॉर्पीडो और खुफिया जानकारी के लिए उपकरणों को इंस्टॉल करने के उद्देश्य से बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि रूस का ये नायाब हथियार इतना ताकतवर है कि ये अगले दशक में समंदर के नीचे शीत युद्ध की वापसी के लिए मंच तैयार कर सकता है। बेलगोरोड की लंबाई 184 मीटर है। इसके पास सबसे बड़ा हथियारों का कंपार्टमेंट है और हथियार इतने घातक है कि इनके फटने से समंदर का पानी कई 100 मीटर तक ऊंचा उछाल सकता है, जिससे सुनामी पैदा हो सकती है। पोप फ्रांसिस कनाडा पहुंचे हैं। उन्होंने यहां आवासीय स्कूलों में मूल निवासियों पर हुए अत्याचार में चर्च के सहयोग को लेकर माफी मांगी है। पोप ने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर कैथोलिक चर्च की भूमिका पर अपने दुखी, आक्रोशित और शर्मिंदा होने की बात कही। इसी के साथ उन्होंने एक हफ्ते की अपनी कनाडा यात्रा की शुरुआत की। अल्बर्टा के एडमोंटन में स्वदेशी लोगों को संबोधित करते हुए पोप फ्रांसिस ने मामले की गंभीरता से जांच कराने का वादा किया। कनाडा के मूल निवासी लंबे समय से बच्चों की मौत के लिए पोप से माफी मांग रहे थे। आवासीय स्कूलों में मूल निवासी बच्चों को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान पॉप ने मूल निवासी बच्चों के कब्रिस्तान का दौरा किया और वहां प्रार्थना की और कहा कि मैं आवासीय विद्यालयों में बच्चों की मौत के लिए माफी मांगता हूं। खास तौर पर जिस तरह चर्च और धार्मिक समुदायों के सदस्यों ने उनका सहयोग किया, कम से कम उनकी उदासीनता के जरिए ही उस समय की सरकारों की प्रचारित सांस्कृतिक विनाश की नीतियों के चलते आवासीय विद्यालय की घटना सामने आई। पॉप ने बच्चों पर शारीरिक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शोषण का हवाला देते हुए कहा कि मैं स्वदेशी लोगों पर कई ईसाइयों द्वारा की गई बुराई के लिए विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगता हूँ। तो वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।